हेलो डिफेंस एस्पिरेंट, आज की वीडियो में हम बात करेंगे एयरफोर्स मेडिकल असिस्टेंट एंड फार्मासी स्टेरली की जो पीएसएल एंड मेरिट लिस्ट आने वाला है। 14 तारीख को आपका पीएसएल लिस्ट आएगा, जिसको हम प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट बोलते हैं, उसके बारे में आपको जानकारी दूंगा। साथ में मेरिट लिस्ट आपकी कब आएगा, कितनी कट ऑफ्स रहेगा, आपकी सिलेक्शन होगा कि नहीं, यहाँ पर देखेंगे। पहली बात तो मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप चैनल में नया है और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप चाहते हैं अपनी लाइफ में, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वरना कोई बात नहीं। साथ में अगर आपने टेलीग्राम चैनल आर्मी सर ऑफिशियल ज्वाइन नहीं किया है अभी तक, प्लीज़ कर लीजिए। 2300 से ज़्यादा बंदे आपकी जुड़ चुके हैं वहाँ पर, और आपकी स्टडी रिलेटेड कोई भी चीज़ें आप खरीद नहीं पा रहे या फिर आपको दिक्कत आ रहा है, हमें आपकी एक वीडियो बना के हमारे चैनल के साथ आप शेयर कर सकते हैं, हम आपकी पूरी मदद करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर देखिए, कुछ ही महीना पहले एयरफोर्स मेडिकल असिस्टेंट रैली भोपाल में हुआ था, जिसकी पीएसएल लिस्ट मई 14 को आउट हो रहा है, यानी मई 14 को इसकी जो प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट आउट हो रहा है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए, मैं मानता हूँ, क्योंकि आपकी लाइफ की जो फ्यूचर यहाँ पर डिसाइड होने वाला है, किसकी डिसाइड होने वाला है, किसी की नहीं भी होने वाला है। पहले समझो पीएसएल लिस्ट होता क्या है। पीएसएल लिस्ट ऐसा होता है कि जैसे आपकी रिटिन हो गया, फिजिकल हो गया, जीडी हो गया, मेडिकल और डॉक्यूमेंटेशन, ये सारे चीज़ होने के बाद आपकी पीएसएल लिस्ट निकलता है। मतलब उस लिस्ट में आपको मेनली ये बताया जाएगा कि कौन कौन बंदा अनफिट है, कौन कौन बंदा पूरा फिट है, कौन कौन बंदा एब्सेंट है, कौन 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 सा बंदा मेडिकल अनफिट है, उस पीएसएल लिस्ट में आ जाएगा। यानी जो बंदा उनकी जो रिटिन के कट ऑफ से ऊपर आया होगा, मान लीजिए उन्होंने एक दायरे में किया कि मेरा आर्मी जो एयरफोर्स नर्सिंग का जो कट ऑफ मैंने रखा है वो 40 रखा है, और फार्मासिस्ट का जो कट ऑफ रखा है वो मैंने 32 या फिर 33 रखा है, ठीक है। यहाँ पर होगा क्या, मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पर ध्यान से थंबनेल को देखना, यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा। देखो, ये शुभम गिरी गोस्वामी फिट है, इसका मतलब मेडिकली डिस्पोजल फिट, मतलब समझते हो कि इसकी ना जो कट ऑफ के अंदर भी आ चुका है और ये मेडिकली भी फिट हो चुका है। मेडिकल कब होता है, सबसे लास्ट में होता है। रिटिन कब होता है, रनिंग के बाद रिटिन होता है, उसके बाद ग्रुप डिस्कशन, उसके बाद आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर मेडिकल, मेडिकल होने के बाद ये पीएसएल लिस्ट निकलता है। इसमें आपको बता दिया कि आपका मेडिकली आप फिट हो और उसके बाद आपकी जो कट ऑफ है वो ऊपर आ चुका है। दूसरा, अगर मैं यहाँ पर आपको 12 नंबर पे लेके चलो, यहाँ पर ये दिया कि अनफिट इन एब्सेंटिया, ये इसका मतलब समझते हो कि इसको ना मेडिकल के दिन ये एब्सेंट था, ये गया नहीं, या फिर इसको मेडिकली मतलब रिपोर्ट दिया था कि आज तू रिलीगेट है, मतलब तेरा कोई डिजीज है जिसको जाके रेफर करके तुझने सही करवाना था, वो भी इसने नहीं किया, तो इसकी क्या लग जाएगा, ये अनफिट इन एब्सेंटिया। उसके नीचे देखो, धीरज कुमार वर्मा का है, ये अनफिट है, मतलब इसने जाके रिव्यू करवाया था, पहले क्या था, इसका मेडिकल हुआ था, इसको कुछ रिव्यू दिया था, रिव्यू देने के बाद इसको जाके सही करवाना था नज़दीकी जो एयरफोर्स की मिलिट्री हॉस्पिटल फिर या फिर आर्मी की मिलिट्री हॉस्पिटल में, लेकिन ये क्या गया नहीं, सॉरी गया है और ये वहाँ पर अनफिट हो गया, लास्ट तक ये फिट नहीं हो पाया। तो यहाँ पर देखिए तीन चीज़ें हैं, ये अनफिट मतलब ये तो गया था रिव्यू के लिए, दोबारा चेक करने के लिए, रीमेडिकल के लिए गया था, रीमेडिकल में इसका हुआ नहीं, ऊपर वाला गया ही नहीं, इसको रीमेडिकल दिया था, इसने एब्सेंटिया मतलब अनफिट इन एब्सेंटिया गया ही नहीं वहाँ पर, मतलब रिव्यू करने के लिए या फिर रीचेक करने के लिए, उसको लगा होगा कि मैं फिट नहीं होगा इसलिए गया नहीं होगा, या फिर कुछ अलग रीजन भी हो सकता है। और बाकी जो भी मेडिकल था इन्होंने फिट हो गए, चाहे वो मतलब रीमेडिकल मिला था उस पर भी फिट हो गया, या फिर एक बार में फिट हो गए, उनकी लिस्ट आ गया। इस लिस्ट में इस हिसाब से आपकी जो मेडिकल में जो कट गए उनकी नाम कट जाएगा, ठीक है। तो क्या सर पॉसिबिलिटी है कि अगर मेरा नाम पीएसएल लिस्ट में आए और बाद में मेरिट लिस्ट में भी मेरा नाम आ जाए अगर मैं मेडिकल फिट हूँ? नो, ये गलत चीज़ है। देखिए, जो पीएसएल लिस्ट निकलता है ना, वो कम से कम 100 से लेके 130-150 बंदे के निकलता है, 200 बंदे के आसपास पीएसएल लिस्ट आपका आएगा, उसमें से पोस्ट होगा आपका 70-80, तो इनमें से पहले वो बंदे कट जाएंगे जो मेडिकली अनफिट हैं, जो एब्सेंटिया, जिन्होंने कभी गए नहीं। फिट बंदे को पहले छांटा जाएगा। फिट बनने के बाद मैंने जैसे आपको बोला था, आपकी जो भी कट ऑफ से मार के, दैट इज़ मोर 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 एंड मोर फकिंग इम्पोर्टेंट। तो आप जो भी लड़का यहाँ पर 40 से अबव स्कोर किया होगा ना, 40 से अबव, उनकी तो पक्का मान लो यहाँ पर एयरफोर्स नर्सिंग की आपको मिल जाएगा। और जो बंदे 33 से अबव फार्मेसी में उनकी मार्क्स होंगे तो उनको मिल जाएंगे, ये दोनों कंफर्म है। अगर आप पूछोगे सर कितना सीट हो सकता है, देखिए यहाँ पर मैं आपको कंफर्म तो नहीं बता सकता, लेकिन एज पर माय एक्सपीरियंस, एज पर माय थिंकिंग, एज पर माय सोर्स इस 130, तो 100 सीटें आपकी रहेगा एयरफोर्स नर्सिंग असिस्टेंट के लिए, 100 पोस्ट रहेंगे, और दूसरा 30 पोस्ट रहेगा आपकी फार्मासिस्ट के लिए। यहाँ पर और एक भी क्वेश्चन आता है कि सर वेटिंग लिस्ट आता है वहाँ पर, क्या वेटिंग लिस्ट को बुलाया जाता है? देखिए,
वेटिंग लिस्ट का बहुत कम चांसेस है कि बुलाया जाएगा। जैसे वेटिंग लिस्ट 1, 2, 3, 4, 5 आपके आ गया, 20 वेटिंग लिस्ट आ गया, लेकिन वेटिंग लिस्ट तभी सक्सेस होता है अगर एक बंदा 100 में से अगर एक बंदा ट्रेनिंग नहीं गया, लेफ्ट कर दिया, वहाँ पर एक पोस्ट खाली होगा तो वेटिंग लिस्ट वाले को उठाया जाता है वहाँ पर कि आप आ जाओ ट्रेनिंग में, हमारा एक पोस्ट खाली है। लेकिन यहाँ पर बहुत कम चांसेस है कि बंदा कोई अपना ट्रेनिंग छोड़े, क्योंकि एक तो ये रेगुलर कैडर है, दूसरा भाई एयरफोर्स की जॉब है, तीसरा एयरफोर्स की नर्सिंग जॉब है, चौथा आजकल की नौकरी है ही नहीं, और ऊपर से अगर इसने इतना तक फाइट किया है तो नौकरी क्यों छोड़ेगा, सोचिए ना। ठीक है, अगर कोई इंजोर हो गया, खुदा नखास्ता हो गया, वो तो बात अलग है, लेकिन ऐसे तो कोई छोड़ेगा नहीं, तो वेटिंग लिस्ट का तो बहुत मुश्किल है। यहाँ पर स्टूडेंट के और भी एक सवाल आता है कि जो वेटिंग लिस्ट है, दूसरी बार जब भर्ती आएगा क्या हमारे को फर्स्ट प्रायोरिटी मिलेगा, क्या हमारे को कुछ एक्स्ट्रा मार्क मिलेगा क्योंकि हम वेटिंग लिस्ट में थे? बिल्कुल आपको कुछ नहीं मिलेगा। आप प्रॉस्पेक्ट खोल के देख सकते हैं, वहाँ पर क्लियरली लिखा है अगर आपका वेटिंग लिस्ट में है तो आपको फ्रेश एंट्री दोबारा देना पड़ेगा, जैसे कंपटीशन का जो रूल्स एंड रेगुलेशन को आपको फॉलो करना है, चाहे आपकी वेटिंग लिस्ट 1 हो या फिर 100 हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसीलिए मैंने जब भी स्टार्ट किया था ये आपकी सीरीज, मैंने बोला था कि भाई अगर श्योर शॉट एयरफोर्स की यूनिफॉर्म लेना है, जो एयरफोर्स नर्सिंग में 40 का नंबर याद रख लेना, अपने बाथरूम बेडरूम से लेके ब्रेकफास्ट रूम में चिपका लेना, और चिपका लोगे अगर आ गया तो आपकी बहुत किस्मत अच्छा है। और जो फार्मेसी है 33 नंबर आपको बताया था, अगर आपका आ जाएगा तो बिल्कुल आप, अगर आपकी मेडिकल में कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको श्योर शॉट जॉब मिलेगा। 14 मई को आपका PSL लिस्ट निकलेगा, उसके 2 से लेके 4 दिन के बाद आपकी मेरिट लिस्ट वहाँ पर डाल दिया जाएगा, यानी 20 तक आपकी हाथ में जॉब होगा अगर ये चीज़ें आपके हाथ में होगा। विश यू ऑल द बेस्ट। अगर आपकी मैं यहाँ पर और कुछ डाउट्स है तो लेना चाहूँगा थ्रू कमेंट सेक्शन। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। जय हिंद, हैप्पी यूनिफॉर्म।